उन्होंने एक बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ चालू किया। ममता दी ने वर्धमान के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके आरोपियों को बचाना शुरू किया था। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर को बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर जो व्यक्ति मारा गया वो शकील अहमद पहले भी बॉम्ब ब्लास्ट में फंसे हुए थे। बंगाल पुलिस ने उनको क्यों नहीं पकड़ा? एनआईए को जांच देने के विरोध में ममता दीदी ने स्टेटमेंट दिए थे। अब किसको बचाना चाहती है? वर्धमान के अंदर आरडीएक्स पकड़ा जाता है, एनआईए जांच कर रही है, उसको रोका जा रहा है। एनआईए के रोकने के लिए संघीय ढांचे का सवाल पैदा किया जा रहा है। एनआईए को काम करने दिया नहीं जा रहा है। कितने सारे टीएमसी के नेता इस ब्लास्ट के साथ जुड़े हुए हैं मित्रों। वर्धमान के पीछे जो लोग लगे हैं उनको पैसे किसने दिए उसकी जांच शुरू हुई तो आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि उसके अंदर भी शारदा चिट फंड के पैसे ये बम ब्लास्ट के पीछे उपयोग हुए। और ये दोनों जांच एक मोड़ पर जाकर क्लब हो रही है।